जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों की फायरिंग में गिरफ्तार आतंकी इमरान बशीर गनी मारा गया है। बताया जा रहा है कि टारगेट किलिंग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया और इमरान गनी की मौत हो गई। इससे पहले शोपियां में बाहरी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी को सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ लिया था और उसके खुलासे के बाद दूसरी जगहों पर रेड डाली जा रही थी। इस बीच शोपियां के नौगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आतंकी की गोली इमरान बशीर गनी को लग गई और उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी इमरान गनी की मौत की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल की टीम आतंकी इमरान गनी को नौगांव लेकर पहुंची थी, जहां उनकी आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसी दौरान आतंकियों की गोली से मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी इमरान गनी मारा गया। आपको बता दें कि शोपियां में हुए आतंकवादी हमले में उत्तर प्रदेश के दो मजदूरों की मौत हो गई थी। दोनों राज्य के कन्नौज जिले के रहने वाले थे। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही शोपियां में एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं कश्मीर में टारगेट किलिंग के ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।